हरि गोविंद जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय गोपाल जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय। ओम नमो भगवते पुराण पुरुषोत्तमाय। ओम जयति पराशर सूनु सत्यवती हृदय नंदनो व्यास यस्यास्य कमलगलतम वाग्मयम अमृतम जगत्पिबती विश्वसर्ग विसर्गादि नवलक्षण लक्षतम श्रीकृष्णाक्षम परम नाम जगद्धाम नमामि तत्। हृदयस्य प्रेरणया प्रवर्तितोऽहं वराकुलकोपि पदकमलम वंदे श्रीचैतन्यदेवस्य वंदेहं श्रीगुरोर्श्रीयुत्पदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं श्रीकृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च आयानुलम्बितभुजौ कनकावदौ संकीर्तनैकपितरौ क्षौ विश्वद्विजवरौ युगधर्मपालौ वन्दे जगत्प्रियकरौ करुणावतारौ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानान्यनुशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। दिव्यवृन्दारण्यकल्पद्रुमाधः श्रीमद्रत्नागार रत्नसिंहासनस्थौ श्रीमद्राधा श्रीगोविन्ददेवौ प्रेष्ठालीभिः सेव्यमानौ स्मरामि नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो श्रीवैष्णवेभ्यो नमो नमः। हे श्री सनातन प्रभो करुणाम्बुराशे हे रूप दुर्गत जनैक दयावलोक हे भट्टयुग्म सुमते रघुनाथ दासो श्रीजीव मे कुरुतमंद मते दयां द्रात बुलश वृंदावन बिहारी लाल की जय। परम मंगल श्री श्रीमद्भागवत का स्कंद पुराण के अनुसार महात्म्य अंतिम अध्याय चार अध्यायों में श्रीमद् भागवत की महिमा का श्री सूत जी ने स्कंद पुराण के अंतर्गत भी वर्णन किया और ये पूरे वर्णन पद्म पुराण में जो श्रीमद् भागवत का महत्व वर्णन किया गया उसके साथ में और श्रीमद् भागवत के मूल के साथ में बहुत संगति बैठाए हुए टैली करता है। श्री श्रीमद् भागवत का जब उद्धव जी ने श्रवण कराया उस समय कृष्ण कांताओं को जो क्लेश था वह दूर हुआ और कलयुग के प्रभाव से जो दुख प्राप्त होते हैं उन दुख की दूरी होकर के श्री कृष्ण की प्राप्ति होती है। श्रीमद् भागवत के तीन माने विरह की दूरी, जो प्रेमी जन हैं उनके विरह की दूरी को दूर होना, जो कलयुग के प्रभाव से प्रभावित हैं उनको कलयुग का प्रभाव दूर होना, और तीसरा श्री कृष्ण लीला जो छिपी हुई है उस छिपी हुई कृष्ण लीला का सामने प्रकट हो जाना और कृष्ण का दर्शन होना। ये श्रीमद् भागवत के तीन मोटिव्स, तीन प्रयोजन, कृष्ण लीला का प्राकट्य, अप्रकट जो कृष्ण हैं उनका दर्शन पहला, जो प्राप्त हुआ सारी महर्षियों को, फिर कलयुग का प्रभाव जहाँ पर है, परीक्षित महाराज ने कलयुग को नष्ट किया पर फिर भी कलयुग प्रभाव डालेगा, उस कलयुग के प्रभाव का नाश होना ये दूसरा प्रयोजन ये श्रीमद् भागवत का। और श्री कृष्ण लीला जो प्रापंचिक जनों को, प्रपंच के लोगों को
नहीं दिख रही है, प्राकृत जनों को नहीं दिख रही है, अप्रकट में जो विराजमान है वो कृष्ण लीला भी सामने प्रकट हो जाएगी। तो तीनों जो स्थिति हैं वो तीनों स्थितियां अपूर्व रूप से प्रकट हो जाएंगी। ये श्रीमद् भागवत की एक अपूर्व महिमा है और उस महिमा को जहाँ सहज में देखा जा सकता है। श्री सूत जी निरूपण कर रहे हैं कि भागवत शब्द के दो अर्थ हैं, एक भागवत और एक वैष्णव। और श्री ब्रह्मा जी को भगवान ने चार श्लोकों में जो श्रीमद् भागवत संहिता दी थी, ब्रह्मा ने उसी को श्री नारद जी को 18,000 श्लोकों के रूप में और 10 लक्षणों से रूप में दी। वेद व्यास जी ने जब उसको अपनी समाधि में देखा वो ही एक ग्रंथ के रूप में सामने आई। इसके पहले जो श्रीमद् भागवत लिखी गई थी, 18 पुराणों में एक पुराण भागवत भी है, वो जो लिखा गया वो तो कहीं क्रांत विक्रांत खंडिता, उसमें श्लोक तो यही थे 18,000, परंतु आगे पीछे थे। परंतु समाधि में वेद व्यास जी ने उनको ही बिल्कुल क्रमबद्ध देखा और उनको ये लगा कि ये जो समाधि भाषा के श्लोक हैं इसमें शुद्ध कृष्ण प्रेम उनका ही परम लक्ष्य के रूप में प्रतिपादन किया गया है। इसलिए परम परम आनंदित हुए। अब श्रीमद् भागवत के श्रोताओं के विषय में कह रहे हैं, 10वां श्लोक है, 4 अध्याय का 10वां श्लोक कि श्रोतारोथ निरूप्यन्ते श्रीमद् विष्णु कथाश्रयाः। अब हम तुम्हारे सामने श्री विष्णु कथा का आश्रय लेने वाले श्रोतागण उनका वर्णन करते हैं। श्रोता कौन कौन है? श्रोता दो प्रकार के हैं। एक श्रोता हैं प्रवर और दूसरे हैं अवर। प्रवर का तात्पर्य है कि जो श्रेष्ठ श्रोता हैं उनको तो हम कहेंगे प्रवर, और जो श्रेष्ठ नहीं है ऐसे श्रोताओं को कहा गया अवर। तो श्रोताओं के दो विभाग, प्रवर और अवर। इनमें सबसे पहले प्रवरों का वर्णन करती हैं। प्रवर चार प्रकार के हैं। प्रवराश्चातको हंसः शुको मीनादयस्त तथा। चातक, हंस, शुक और मीन। चातक उसको कहेंगे जो सदा आशा लगाए बैठे आगे क्या होगा, आगे क्या होगा। जैसे चातक मेघ की आशा लगाए बैठता है, चातक एक पक्षी है और बादल जब बरसता है तो चातक उस पपीहा वो या चातक वह बादल के बूंद को अपने मुंह में लेता है। तो चातक वे परम श्रेष्ठ श्रोता हुए। फिर हंस, हंस का मतलब है श्रीमद् भागवत में या कहीं भी कथा होगी उसमें बहुत सारी चीज़ें आती हैं, कभी दुनियादारी की भी चीज़ें भी आती हैं और कभी परमार्थ की चीज़ें भी आती हैं। हंस उन श्रोताओं को कहेंगे कि अपने काम की चीज़ को निकाल लेना और बेकार की चीज़ को छोड़ देना, जो अपने काम की नहीं है उसको छोड़ देना। अब जैसे कहीं कोई भजन करने वाला बाबा जी है, अब उसको गृहस्थ धर्म को सुनने से क्या मतलब, और श्रीमद् भागवत में तो गृहस्थ धर्म का भी वर्णन है। तो हंस उसे कहेंगे अपने काम को ले लेना, बाद बाकी के काम को छोड़ देना, वो है हंस श्रोता। तो एक हुए चातक, दूसरे हुए हंस श्रेष्ठ श्रोताओं में। तीसरे श्रोता हो गए शुक। शुक माने पैरेट। तो चातक हो गया चातक, हंस हो गया स्वान, जो कि दूध को और पानी को अलग अलग कर दे, नीर क्षीर विवेक। नीर माने पानी, क्षीर माने दूध, इनको जो अलग अलग कर दे, तो ऐसा साधक होना चाहिए। और तीसरा जो है वो हो गया शुक। शुक कौन है कि उसने जो कथा सुनी, कोई पूछे आज क्या कथा हुई, तो उसको दोबारा प्रस्तुत भी कर सके, सुना सके। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि कथा सुनते तो बड़े प्रेम से हैं परंतु सुना नहीं सकते हैं, परंतु शुक वो जो कि कथा को
दोबारा कह भी सके, दूसरों का भी उल्लास कल्याण करे। और चौथे प्रकार के श्रोता हैं वो तो परमहंस है, उनका क्या कहना, वे मीन हैं। मीन माने मछली जैसे जल में जल को पीती है परंतु कहती नहीं, बस आंख बंद करके उसका स्वाद लेती है, ऐसे ही मीन श्रोता वो हैं जो कि श्री कृष्ण कथा को सुनते हैं और भीतर ही भीतर आस्वाद लेते हैं और अपने आप को छिपा करके रखते हैं, अपनी पंडिताई नहीं झाड़ते, वो मीन हो। तो ये चार श्रेष्ठ श्रोता हुए, इनके आगे व्याख्या करेंगे अलग। इसी तरह से चार अवर श्रोता भी हैं। अवर का मतलब है तुच्छ श्रोता, निंदनीय श्रोता। तो चार निंदनीय श्रोता भी हैं। अब निंदनीय श्रोता कौन कौन है, बोले एक है वृक, वृक माने भेड़िया, भेड़िया जैसी श्रोता है। दूसरे भूरुंड, भूरुंड एक पक्षी है। तीसरे हैं वृष, और चौथे हैं ऊंट पुष्ट। ये चार प्रकार के श्रोता हैं निंदनी। वृक कौन, बोले उनको कृष्ण कथा सुनने से कोई मतलब नहीं है, वे बैठेंगे कथा सुनने के लिए परंतु ये देखते रहेंगे पंडित जी ने कहाँ अशुद्ध उच्चारण किया, कहाँ गलत बोल रहे हैं, और केवल दोष दर्शन करके कब पंडित मिले और उनको पकड़ करके रगड़ डालो, उनको कैसे उनकी उनको निंदा करो, उनको पराजित कर दो। वे हैं वृक्षरोता। वृक माने जैसे ताक लगा करके बैठे हैं कि कब मौका मिले और शिकारी को किसी हरिण को हम दबाएं, तो वे हैं वृक माने भेड़िए की तरह से, लाइक ए वॉल्फ। तो वे केवल उनको पकड़ने के लिए बैठे हैं कि कब उनके ऊपर आक्रमण किया जाए, अटैक किया जाए। तो वृक, वृक माने भेड़िया वॉल्फ। दूसरा है भूरुंड, भूरुंड एक पक्षी होता है और वो बड़ा कर्कश और बोली जाएगा कुटरुगु 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 ऐसे बोलता जाएगा, तो वो भूरुंड पक्षी है। ऐसे ही बैठे तो हैं श्रोता बन करके पर सुनेंगे नहीं, बस अपनी अपनी शुरू किया और अपनी अपनी बोलने बोलते हुए चले जाएंगे, वे हैं भूरुंड श्रोता। तो वृक भूरुंड, भूरुंड। फिर तीसरे श्रोता जो हैं उनको उनका नाम है वृक नहीं वृष। वृष का मतलब है जैसे बैल के आगे रबड़ी खीर मिठाई शाक सब रखा पत्तल में, परंतु वृक तो सबको मिला करके, वो बैल जो है वो तो सबको मिला करके सामी की तरह से खा जाएगा। अलग अलग स्वाद लेना और किसी चीज़ की महिमा को पहचानना वो डिस्क्रिमिनेशन उसमें नहीं है। वृक्ष माने सब संसार की वस्तु, ज्ञान की वस्तु, कर्म ज्ञान भक्ति सबको घाल मेल करके और सबको खा लेना, सबको सभी बढ़िया, और उसमें किसी एक चीज की महिमा को नहीं जानना, वो हो गए वृक्ष। वृक्ष माने जिनको स्वाद नहीं है। और पांचवें जो श्रोता हैं वो पांच चौथे श्रोता वो हैं उष्ट्र। उष्ट्र का तात्पर्य है कि जो ऊंट कैमिल, वे कैमिल हैं ऊंट हैं, और वे केवल नीम की पत्ती को तो चुनेंगे और अच्छाई की चीज को छोड़ देंगे। नीम की पत्ती को चुनेंगे, बुराई बुराई जो है उसको तो चुनेंगे, और नीम की पत्ती को जैसे ऊंट लेता है और आम को छोड़ देता है। महाभारत की कथा सुनी और पूछा तुमने क्या ग्रहण किया, बोले हमने तो धृतराष्ट्र से ग्रहण किया, मर जाए परंतु अपने राज्य को नहीं छोड़े। बोले द्रौपदी से क्या सीखा, बोले पांच पतियों का पांच पति का वर्णन करे। अब बोलो ये बुराई की जो बात है उसको स्वीकार करे। तो
बुराई की जो बात है उनको तो स्वीकार करे और अच्छाई की बात को स्वीकार नहीं करे। तो कहीं ऐसे जो श्रोता हैं वो हैं ऊंट, जो कड़वी चीज को तो स्वीकार करेंगे बुरी चीज को कि देखो उस राजा ने ऐसा किया अब हम भी ऐसा करेंगे। जहां कोई इतिहास में बुराई है उस बुराई की चीज को तो लेना और अच्छाई की चीज को नहीं लेना। ये हो गए ऊंट और कैमिल। तो कोई हो गए वॉल्फ, कुछ हो गए भुरुंड, एक कड़वा बोलने वाला पक्षी भुरुंड पक्षी, कोई हो गए वृष बुल और कुछ हो गए पुष्ट्र, ये कैमिल। ये चार अवश्य होता है। अब इनकी व्याख्या कर रहे हैं एक एक की। चातक किसको कहेंगे? श्रेष्ठ श्रोता है चातक। यस्तु कृष्ण शास्त्र श्रुतौ वृति बोध मुक्ते पाथसे चातक, कि अखलोपेक्षा कि जिसको अन्य जितनी भी सारी अपेक्षा श्री कृष्ण में ही है, जिसमें अनन्यता पूर्ण अनन्यता है। चातक की एक विशेषता का श्री तुलसीदास जी ने बड़ा सुंदर वर्णन किया। अनन्यता का प्रतीक है चातक, माने कृष्ण के अतिरिक्त और कुछ नहीं चाहना, इसका प्रतीक है चातक। चातक की एक विशेषता वर्णन की गई कि नहीं जाचत नहीं संग्रही शीश नाय नहीं ले ऐसे मानी मांगने ही को बारित बिन दे। चातक की एक विशेषता है कि किसी दूसरे से नहीं मांगेगा, प्यास लग रही है मर जाएगा, परंतु केवल बादल से मांगेगा, बादल उसका प्यारा है उससे ही मांगेगा, किसी दूसरे से नहीं मांगेगा। चाहे झरना बह रहा है, चाहे नदी बह रही है, अमृत का कुआ है, परंतु उससे जल नहीं मांगेगा, जो बादल से पानी आएगा केवल उसको ही मांगेगा, नहीं जाचत। केवल प्यारे से ही मुझे चाहिए, किसी अन्य देवी देवता को मैं नहीं भजूंगा, ये उसकी एक विशेषता, नहीं जाचत। फिर नहीं संग्रही, चातक को ये पता है कि बरसात के दिनों में चौमासे में 4 महीने तो वर्षा होगी, फिर इसके बाद में वर्षा नहीं होगी और 8 महीने मुझे पानी में तरसना पड़ेगा, पंत फिर भी ये नहीं कि ड्रम भर के रख ले कि बादल का पानी है चलो ड्रम भर करके रख लो फिर इसका पान करेंगे, ऐसा भी वो नहीं करता है। नहीं संग्रही, संग्रह भी नहीं करेगा। तीसरी विशेषता चातक की कि शीश नाय नहीं ले, वो सिर झुका करके नहीं लेगा, ऐंठ रखेगा। चातक की एक विशेषता है कि कहते हैं चातक अपना चोंच खोल करके और बैठ जाता है, जो बूंद सीधी बादल उसके मुंह में डालेगा उस पानी को तो पिएगा। ही इज ओपनिंग हिज बीक एंड ड्रॉप दैट इज कमिंग डायरेक्टली, केवल उसको वो पिएगा। वो शीश नाय नहीं ले, वो ही बादल का पानी कहीं सरोवर में भरा हुआ है परंतु उसमें सिर झुका करके वो नहीं पिएगा। इतनी ऐठ कि ये तू मुझसे प्रेम करता है तो स्वयं आकर के मेरे प्रेम का पोषण कर, शीश नाय नहीं ले। अब बताओ इतना अभिमान रखे और फिर भी याचक हो, अब तो विरोधी चीज हो गई। जहां अभिमान होगा वहां मांगा नहीं जाएगा, जहां मांगा जाएगा वहां अभिमान नहीं होगा, परंतु ऐसे मानी मांगने ही को बार बिन दे। बताओ ऐसे अभिमानी बेगर को, ऐसे अभिमानी याचक को, मांगने वालों को बादल के बिना कौन दे सकता है? इतना आदर रखना तो श्री राम की ही एक सामर्थ्य है कि वे श्री भरत जी की इच्छा को पूरा करेंगे, और भरत किसी दूसरे से नहीं मांग रहे हैं, मांग रहे हैं केवल राम से। भरत के प्रसंग में ये बात कही गई। और अनन्यता का प्रतीक है चातक। तो नहीं जाचत, किसी दूसरे से मांगेगा नहीं, नहीं संग्रही, पहले से
आपत्ति के लिए संग्रह करके रखे, ऐसा भी नहीं है संग्रह करेगा नहीं और शीश नाय नहीं ले आकर के भी नहीं लेगा, ऐठ रखेगा, मुंह खोल करके बैठा है तू सीधा मेरे मुख में पानी की बूट डाल, ऐसे मानी मांग नहीं को बाधित बिंदे, ऐसे अभिमानी जो मांगने वाला है उसको बादल के बिना कोई दूसरा दे नहीं सकता है। तो श्रीमद् भागवत को सुनने वाले चार श्रेष्ठ श्रोता, उनमें पहला श्रेष्ठ श्रोता है चातक। सो अखिलोपेक्षा यस्तु, जिसको कृष्ण में ही सारी अपेक्षा है, कृष्ण के अतिरिक्त और कोई दूसरी अपेक्षा, धर्म अर्थ काम मोक्ष जो कुछ भी जाना है कृष्ण से मांगेगा और किसी से नहीं मांगेगा। और कृष्ण शास्त्र श्रुतौ व्रति, कृष्ण शास्त्र को श्रवण करने में ही उसका व्रत है, नियम है। सचातक, उसका नाम चातक है। यथाम्भोध मुक्ते पायसी पाथसी चातक, जैसे अम्बोध मुक्ते बादल से छोड़े गए जल को ही चातक पीता है, ऐसे ही श्री कृष्ण कथा का जो पान करते हैं और उत्सुकता के साथ में अनन्य निष्ठा के साथ में कि कृष्ण से अतिरिक्त और किसी से मैं नहीं मांगूंगा ये विचार करते हुए जो पान करते हैं वे हो गए श्रेष्ठ श्रोता। और उन श्रेष्ठ श्रोताओं में चातक कोटि के श्रोता हो गए कि आगे क्या होता है, आगे क्या होता है। ये उत्कंठा भी है, अनन्यता भी है और नियम भी दृढ़ है। तीन चीज, अनन्यता भी है, किसी दूसरे से मांगेंगे नहीं, उत्कंठा भी है और नियम भी दृढ़ है कि कृष्ण कथा ही सुनेंगे और किसी दूसरी चीज को नहीं सुनेंगे। अब दूसरा उत्तम श्रोता आया, उसका नाम है हंस। हंस कौन है? हंसस्यात् सारमादत्ते यः श्रोता विविधात् श्रुता, दुग्धे नैकियम गतो तोयात् यथा हंसे अम्लम पयः। हंस वो हैं जो सार को ग्रहण करते हैं, यः श्रोता विविधात् श्रुता। अनेक प्रकार के चरित्र आएंगे, कहीं ज्ञान के, कहीं योग के, कहीं भक्ति के, कहीं दान की महिमा के, कहीं तीर्थ महिमा के, परंतु उन सबको सुनकर के भी जो दुग्धेन ऐक्यम गतो गतस्तो गता तोया, जो जल में से भी दूध को बाहर निकाल ले, उसका नाम है हंस। हंस में दूध को पानी से अलग करने की क्षमता होती है, शायद इसका तरीका वो प्रकार अलग था। दूध का तात्पर्य है वो जैसे कमल की नाल को तोड़ा जाए तो उसमें से एक सफ़ेद सफ़ेद जो जल निकलता है उसको भी दूध ही कहेंगे, वो दूध ही कहलाता है। परंतु तो कमल रहता है पानी के बीच में, परंतु तो पानी के बीच में रहने पर भी वो जो दूध निकला कमल नाल से उसको हंस पी लेता है। ये मूल तात्पर्य तो ये था, परंतु प्रसिद्धि हो गई कि दूध में पानी मिला करके रख दो तो हंस दूध दूध मिल जाएगा, पानी पानी ही अलग कर लेगा। ये फिर बाद में लोगों ने ऐसा कह कर प्रसिद्ध कर दिया, परंतु उसका मूल रूप तो वही है कि जल के भीतर जो कमल की नाल में से जो दूध निकलता था वो मिल्की कहलाएगा, उसको वो पी लेता, उसमें से जो जूस निकलेगा कमल के स्टम से उसमें से जूस निकलेगा उसको वो पीता है और पानी के भीतर ही पी लेता है। ये हंस की विशेषता। ऐसे ही श्रीमद् भागवत में बहुत सारे प्रसंग हैं, परंतु उन प्रसंगों में से भी अपने काम के प्रसंग को अपनी दृष्टि से स्वीकार कर लेना, यह हो गया हंस। यह हंस की बात हो गई। अब शुकः सुष्टुमितं भक्ति व्यासम श्रोत्रम च हर्षयन्। शुक श्रोता वो है जो मीठी बात कहेगा और मितम सार की बात कह देगा और सार की बात करके व्यास को भी आनंदित करेगा। बीच में कथा में सुन रहे हैं आनंद आया और कोई एक जरा सी एक बात, एक वाक्य कह दिया, एक आधा सा एक शब्द कह दिया, उससे बिल्कुल स्वयं का आनंद भी और सार श्रोताओं को भी एकदम आनंद आ जाए और जैसे एक विंडो सी खुल जाए,
एक खिड़की सी खुल जाए। ऐसे जो सिद्धांत की बात को कहीं प्रोत्साहित कर दे और सिद्धांत की बात को रेखांकित कर दे, जो अंडरलाइन कर दे, कोई अपूर्व डॉक्यूमेंट जो डॉक्ट्राइन उसमें आया है उस डॉक्ट्राइन को जो रेखांकित कर दे, वो हो गया शुका सुष्ठु मन मीठ सुंदर और मितम भक्ति कम बोले, और व्यासम श्रोतृंच हर्षयन, और उसके बोलने से कथा में बाधा नहीं हो बल्कि व्यास और श्रोता दोनों के दोनों आनंदित हो जाएं। सुपाठित शुका जो स्वयं पढ़ा लिखा है उसका नाम शुक है, तद्वत शिक्षकम पार्श्वदान अपि, इसी प्रकार यह शिक्षक है और अपने पास में रहने वाले अन्य लोगों को भी पढ़ाने वाला है पर फिर भी वो सुनता है, वो हो गया शुक। अब चौथा जो श्रेष्ठ श्रोता है उसका नाम है मछली मीन, 15वां श्लोक है कि शब्दम ना निमिषो जातु करो त्यास्वादयन रसम, के शब्दम न अनिमिषो जातु करोति, अनिमिषा माने कभी भी, जातु माने तनिक भी, शब्दम न करोति जो शब्द नहीं करता है माने एकदम चुप रह करके, चुपचाप आया चुपचाप सुना, जरा भी आवाज नहीं करेगा, कथा को चुपचाप सुनेगा, आस्वादयन रसन और रस का आस्वादन लेगा, और श्रोता स्निग्ध हो वो परम कृपा करने वाला श्रोता है, वो हो गया मछली। तो मछली जैसे चुपचाप जल का पान करती है वो हो गया मछली। मीना क्षीर निधौ यथा, जैसे मछली समुद्र में चुपचाप आस्वादन करती है ऐसे चुपचाप कृष्ण कथा सुने, आस्वादन ले, अपने चला जाए, उसको भीतर ही भीतर स्वाद लेता रहे कि आज ये कथा हुई, ये आज ये कथा हुई, वो मीन। अब ये हो गए उत्तम श्रोता। अब चार प्रकार के जो श्रोता हैं वो हैं दुष्ट अवर श्रोता, उनका वर्णन करें। अवर माने हीन, हीन श्रोता के यस्तुदन रसकान श्रोतृन बिरौती अज्ञो भ्रको ही सह, बोले जो रसिक जन कथा सुन रहे हैं और उनके बीच में कभी डकार लेकर कभी बोल करके, जो यस्तुदन माने दुख देता है, रसकान श्रोतृन रसिक श्रोताओं को दुख देता है, और बिरौती कभी ऐसी जोर जोर से रोता है कि सबकी कथा डिस्टर्ब हो जाए, सबका सुनना बोले और बिरौती जोर से आवाज करे, तो जो रसिक श्रोताओं को कष्ट प्रदान करता है, कथा के बीच में आवाज करता है, ब्रको ही सहा वो वृख है। पेड़ स्वनहा स्वन रसासक्तान ब्रको रंडे मृगान यथा, और वो पेड़ स्वन रसासक्तान वो कहीं रस में आसक्त जो जन हैं, जो वेणु का नाद सुन रहे हैं, और उनको जैसे मृग अरण्य मृगांग था, जैसे मृग तो सुन रहे हैं वेणु का रस और बीच में ही आकर के मृग झपट्टा मार दे, तो जो रसांतर कर दे उसका नाम हो गया मृग। तो वृक्षश्रोता वो हुआ जो रसकों को कष्ट प्रदान करे, अनावश्यक के बात करे, रौती माने शब्द करे माने कभी टकार लेकर के कभी पुकार करके बाधा उत्पन्न करे, और वेणु स्वन रसासक्तान जो हरिण वेणु का नाद सुन रहे हैं, बीन का नाद सुन रहे हैं और उनको भी मार दे, इसका नाम वृक हुआ। ये वृक्षरी का उसका भूरुंड शिक्षेत अन्यान श्रुत्वान स्वयं आचरित, भूरुंड एक पक्षी है जो अन्य लोगों को तो सुनाता है परंतु सुनकर के स्वयं आचरण नहीं करता है। तो भूरुंड शिक्षेत अन्यान, भूरुंड वो श्रोता कहलाएगा, एक पक्षी जैसा श्रोता है जो सुनकर के आचरण नहीं करता है, दूसरों को अपनी अपनी टिप्पणी सुनाता रहता है। यथा हिम्बत क्षेत्रे भूरुंडाक्षो भयंगमः,
हिमालय में ये भिरुन नामक एक पक्षी होता है। अब सर्वश्रुतम उपादत्ते सारा सारा दधि वृषा। अब तीसरे प्रकार का अवर श्रोता है, तुच्छ श्रोता है, निंदनी श्रोता, उसका नाम है वृष बैल। वो सर्वम श्रुतम उपादत्ते, जो कुछ भी अच्छा बुरा कहा गया सबको खा जाए, सबको ग्रहण कर ले। अब रावण यदि जानकी जी को धमका रहा है तो उसको भी स्वीकार कर ले और वैसा भी व्यवहार करने लगे, ये बात है। तो सर्वान सर्वश्रुतम उपादत्ते, अच्छी हो बुरी हो इसमें उसको विचार नहीं करना है, कौन सी चीज अच्छी है कौन सी चीज बुरी है, सबको ग्रहण कर ले। सारा सारांध धी, सार और असार, इसमें वो अंधा है, उसकी बुद्धि चलती नहीं है। स्वादु द्राक्षा खलिम चापी निर्विवेशम यथा वृषा, जैसे बैल के सामने किसी ने खल भी डाली है और उसमें कहीं अनार और अंगूर भी डले हुए हैं, परंतु बैल को कोई मतलब नहीं, उसको तो सानी को खाने से मतलब है। जैसे वो अंगूर को खा रहा है द्राक्षा को, वैसे ही वो खल को भी खा रहा है। तो खली और द्राक्षा इन दोनों को एक साथ वो खा जाए, वो हो गया वृष। सौष्टो मधुरम मुंचन विपरीते रमेत यह, और ऊंट वो है जो मधुर चीज को तो छोड़ दे और विपरीत चीज में ही रमण करे। यथा निम्बम चरतुष्ट हेत्वा आम्रम अपि तद्युतम, जैसे ऊंट नीम को तो स्वीकार करता है और आम का त्याग कर देता है, आम की बोल नहीं खाएगा नीम के ऊपर मुंह डालेगा, ऐसे ही जो बुराई बुराई की बात को तो स्वीकार करेगा, अच्छाई की बात को स्वीकार करेगा नहीं, वो ऊंट हो गया। अन्य बहवो भेदा द्वयो भृंग खराब है, अन्य भी बहुत से भेद हैं, जैसे भोरा और जैसे गधा, एक पांचवा भेद और किया, अच्छाई में पांचवा भेद किया भृंग। जैसे भोरा कांटे से बच करके, पत्ती से बच करके, डाली से बच करके केवल मधु को ही पान कर लेता है, शहद को कली में से निकाल लेता है, इसी प्रकार जो अच्छे श्रोता हैं वे अपनी उपासना के अनुरूप बात को निकाल लेंगे, बाद बाकी की बातों को छोड़ देंगे। और यह हुआ अच्छे श्रोताओं का गुण कि वो कहीं बम्बू बी की तरह से केवल भृंग माने बम्बू बी, उसकी तरह से वे केवल जो हनी है उसको ले लेंगे, शहद को ले लेंगे, मधु को ले लेंगे भौरे की तरह से, और बाद बाकी की सब चीज़ों को छोड़ देंगे। और खर खर माने गधा, गधा की तरह से केवल चोट ही चोट करेंगे, मारेंगे। तो ये नंदकों में एक पांचवा विज्ञ आता तथा चारे तत्तत्पर के संभव ही, इन श्रोताओं को इस प्रकार से उनकी प्रकृति के अनुसार चाहिए। या स्थित्वाभिमुखम प्रणम्य विधवत त्यक्त्यान्य वादो हरे, अच्छे श्रोता वो हैं जो कि स्थित्वाभिमुखम सामने बैठे हैं, प्रणम्य विधवत श्री ग्रंथ ठाकुर जी वक्ता इनको प्रणाम करें, वैष्णवों को प्रणाम करें, और त्यक्तान्न वाद अन्य बाद तर्क शास्त्र, अन्य बाद माने संसार की जो चर्चा है उसका त्याग करके हरि की लीला श्रोत मभीप्सति निपुण, श्रवण करने में जो अत्यंत निपुण हैं, और नम्रोथ कृप्तांजलि जो परम विनम्र हैं और हाथ जोड़ करके बैठे रहते हैं, शिष्यो विश्वसतोन चिंतन परा जो बड़ों के आदेश को प्राप्त करें, शिष्य होकर के विराजमान हो माने बड़ों के आदेश को जो स्वीकार करें, और विश्वसतः गुरु के वचनों में विश्वास करें, और अनुचिंतन परा जो कुछ भी सुना उसका चिंतन करते हुए विराजमान हो, और प्रश्नेनुरक्तः और समय समय पर प्रश्न भी करें,
प्रश्न नो रखता, माने प्रश्न भी करने चाहिए। प्रश्न करने से बहुत सारी बातें खुलती हैं और प्रश्न करने से जो प्रसंग रह गया है वो सामने आएगा। प्रश्न नो रखता, प्रश्न से पता लगता है कि जो वक्ता ने कहा वो पहुंच रहा है कि नहीं। एक अध्यापक की सफलता यही है कि विद्यार्थी प्रश्न करता है। यदि विद्यार्थी कुछ प्रश्न नहीं करे तो इसका मतलब है अध्यापक सफल नहीं है, वो विद्यार्थी में जिज्ञासा उत्पन्न नहीं कर रहा है। तो प्रश्न अनुरक्ता, प्रश्न को मैं अनुरक्त हूं, प्रश्न भी करे और शुचि माने पवित्र होकर के बैठे। नित्यम कृष्ण जन प्रियो निगदिता, ऐसा, और नित्य कृष्ण जनों का से प्यार करने वाला हो, वैष्णवों से प्राप्त प्यार करने वाला हो, ऐसा श्रोता श्रेष्ठ कहा गया। तो निगदित श्रोता सवई वक्तृ भी, वक्ताओं के द्वारा ऐसे श्रोता को ही श्रेष्ठ कहा गया जो कि सामने बैठकर के प्रणाम करे, अनावश्यक तर्क विवाद दूसरी बातें उनका त्याग कर दे, लीला को श्रवण करने में निपुण हो, नम्र हो, हाथ जोड़ करके बैठे, बड़ों के आदेश को स्वीकार करे, विश्वास करे, विचार करे, प्रश्न भी करे, पवित्र हो और वैष्णवों के साथ में प्रीति करे। ये सारे गुण वक्ता के और श्रोता के दोनों के बताए थे। अब भगवन मति अनपेक्षः श्रुदो दीनेश सानकंपो यः बहुधा बोधन चतुरो वक्ता सम्मानितो मुनि भी। अब वक्ता कैसे होना चाहिए, श्रोता की बात हो गई, अब वक्ता के गुण क्या क्या हैं उसको बता रहे हैं कि भगवन मति, कि उसका ठाकुर में तो चित्त होना चाहिए। केवल कमाने में चित्त नहीं, ठाकुर में उसका चित्त होना चाहिए। भगवन मति अनपेक्षा, ठाकुर में, ठाकुर के चरणों में प्रीति करे। वक्ता का गुण भी है कि वो भगवान का भक्त हो और विषयों में और इधर उधर में उसकी प्रीति नहीं हो। भगवन मति अनपेक्षा, जो मिल जाए ठाकुर जी की कृपा से उतने में संतोष रखे, अनपेक्षा कोई नहीं रखे। किसी का कल्याण हो रहा है तो कल्याण करने में प्रवृत्त हो और वो ये प्रयत्न करे कि मेरे वचन से, मेरे उपदेश से ये भजन में उन्नति होती है, भजन में अनुकूलता मिलती है, तो मैं उसके भजन को आगे बढ़ाने के लिए प्रयत्न करूँ। ये उसकी सुहृदा माने दुखी हैं उनके प्रति भी, संसार में पड़े हुए उनके प्रति भी अनुकंपा रखे और उनके ऊपर भी कृपा करे। और बहुधा बोधन चतुरा, और जो अपनी बात को समझाने में चतुर हो, अपनी बात को किसी तरह पहुंचा दे, बोधन में चतुर हो, ऐसा जो वक्ता है उसको मुनिजन आदर प्रदान करते हैं। तो सबसे पहला गुण भक्त होना चाहिए, फिर दूसरा गुण लोभी नहीं होना चाहिए, तीसरा गुण उसे भक्तों का, वैष्णवों का कल्याण करने में उसकी प्रवृत्ति होनी चाहिए, फिर दीनों के प्रति अनुकंपाशील, कृपालु भी होना चाहिए, जो उसकी शरणागत हो रहा है उसके प्रति कृपा करते हुए भी विराजमान हो। और पांचवा गुण है समझाने में चतुर हो, दृष्टांत देकर सरल भाषा में समझा सके, केवल पंडिताई झाड़ना नहीं, कठिन शब्दों को सरल को कठिन बना करके कहना बहुत सरल काम है, परंतु कठिन विषय को सरल बना करके किसी के गले में उतार देना ये बहुत कठिन बात है। इसलिए वक्ता को सर्वदा ये ही प्रयत्न करना चाहिए कि कठिन विषय को मैं सरलता से वक्ता तक, श्रोता तक पहुंचा दूं। केवल अपनी पंडिताई दिखाना वो अच्छाई की बात नहीं है कि मैं बहुत ज़्यादा लर्नेड मैन हूँ, ये केवल बोस्ट करना और ये केवल इम्पोज करना ये अच्छी बात नहीं है, बल्कि उसको ये चाहिए, उसकी प्रवृत्ति होनी चाहिए कि कठिन से कठिन बात को भी वो कहीं कम्युनिकेट कर दे। तो
कठिन जो टफ विषय है उसको भी कहीं कम्युनिकेट कर ले, ये उसकी एक विशेषता है। अतः अब स्थान कौन सा है सर्वश्रेष्ठ उसके विषय में बता रहे हैं। अथ भारत भूस्थाने श्री भागवत सेवने, भारतवर्ष ही श्रीमद् भागवत के सेवन का सर्वश्रेष्ठ स्थान है। श्री भागवत सेवन में विधिम श्रुत भो विप्रा ये न स्यात् सुख संतति। दूसरे के भी भागवत तो सर्वव्यापक हैं, परंतु विशेष रूप से श्रेष्ठ की बात कह रहे हैं, सर्वोत्तम, क्योंकि जहां जैसी प्रवृत्ति होती है वहां की अणु परमाणु भी उसी प्रकार की ऊर्जा पैदा करते हैं, एक पावर वैसी ही एनर्जी वैसी ही उस स्थान से भी निकलती है। इसलिए जहां भारत में श्रीमद् भागवत का श्रवण करें। अब विधि वर्णन कर रहे हैं, विधिम श्रवणत वो विप्राये न स्यात् सुख संतति, श्रीमद् भागवत को इस प्रकार श्रवण करें इससे सुख की संतति होगी। राजसम सात्विकम चापी तामसम निर्गुणम तथा चतुर्विधम तु विज्ञेयम श्रीमद् भागवत सेवनम। श्रीमद् भागवत का सेवन चार प्रकार का है, राजस सात्विक तामस और निर्गुण, सात्विक राजस तामस और निर्गुण, इनका वर्णन कर रही है कि सत्ताहम यज्ञवत यस्तु सश्रमम सत्वरम मुदा सेवितम राजसम तत्तु बहु पूजादि शोभनम। सप्ताह की जो विधि है वो राजस है, सप्ताह की विधि उसको यज्ञ की तरह से यज्ञ किया जाए, श्रीमद् भागवत को यज्ञ की तरह से किया जाए सप्ताह के भीतर, और श्रम को भी उठाया जाए, अन्य काम छोड़ करके बस कथा ही कथा में लग रहे हैं श्रम करते हुए, और जल्दी से सब कुछ समझ लें, ये जहां विचार है ऐसे यदि श्रीमद् भागवत का सेवन किया गया तो उस श्रीमद् भागवत के श्रवण को राजस श्रवण कहेंगे। फिर से माने अनुष्ठान प्रकार सीमित समय में ही परिश्रम करते हुए मेहनत करते हुए जहां पर सेवन किया गया उसका नाम मासेन ऋतुनावापी श्रवणम स्वाद संयुतम सात्विकम यद अनायासम समस्त आनंद वर्धनम। सात्विक श्रवण उसको जो एक महीने में ऋतु माने दो महीने में, एक महीने में लक्ष्मी जी ने सुनाया दो महीने में, और नारायण ने सुनाई भागवत को एक महीने में, तो वही लक्ष्मी जी की विधि से या श्री नारायण की विधि से, श्री विष्णु भगवान की विधि से कथा का स्वाद लेते हुए जहाँ अनायास कथा ज़्यादा जल्दबाजी दौड़ भागी नहीं की जाए और कथा जैसे चल रही है उस क्रम से जहाँ कथा का वर्णन कर दिया जाए उसका नाम है आनंदवर्धनम, और आनंद प्राप्ति हो उसको हम कहेंगे सात्विक श्रवण। जहाँ सात दिन के भीतर ही खत्म करनी है और मेहनत करके भी खत्म करनी है, परंतु तो सात्विक उसे कहेंगे कि ज़्यादा मेहनत नहीं, कम से शरीर जितना अलाउ कर रहा है उसके हिसाब से, और बात समझ में आ जाए, जितना किसी दिन ज़्यादा हो गया तो ज़्यादा, किसी दिन कम हो गया तो कम भी सही, दो महीने में या एक महीने में जहाँ आनंद लेते हुए कृष्ण कथा कही जाए उसका नाम है सात्विक। तामसम यत्तु वर्षेणो सालसम शुद्धयायुतम विस्मृति स्मृति संयुक्तम सेवनम तच्च सौक्षदम। तामश्रवण उसे कहेंगे जो एक वर्ष में आलस सहित अरे बस आज आप बंद कर दो इतना ही अब मुझे काम है ऐसा कहकर के आलस्य युक्त होकर के जो श्रवण किया जाए, और शुद्धयायुतम श्रद्धा तो है, श्रद्धा होते हुए भी आलस्य सहित बस इतना ही ठीक है, कब घंटा सवा घंटा पूरा होगा, डेढ़ घंटा पूरा होगा, कब पूरे हों ऐसा आप विचार रखते हुए जहाँ पर श्रवण किया जाए वो तामस है। विस्मृति स्मृति संयुक्तम कुछ भूला कुछ याद रखा उसका नाम तामस है।
इसमें भी सुख मिलता है। तो तामस गुण की विशेषता बताई, आलस्य है उसमें, कुछ याद है, कुछ भुलाया गया है, और है श्रद्धा से युक्त, उसका नाम तामस है। अब निर्गुण क्या है? सर्वदा प्रेम भक्ते ही वो सेवनम निर्गुणम मतम वर्ष मासादि नाम नाम तो विमुच्य नियम आग्रह। मुझे एक वर्ष में पूरा करना है, दो वर्ष में पूरा करना है, सात दिन में पूरा करना है, ये नियम का आग्रह जहां त्याग कर दिया गया है। जब तक होगी तब तक होगी, आठ महीने में पूरा हो जाए, नौ महीने में पूरा हो जाए, और पंद्रह महीने में पूरा हो, जैसे कर्म चल रहा है चलने दो, एक आनंद से उसमें दौड़ भाग करनी नहीं है, न कहीं कहीं संक्षेप करना है, न अनावश्यक की गप मारनी है। इस प्रकार से जहां वर्ष मासादि नाम तो वर्ष और मास इन सबों का विचार नियम का आग्रह है नहीं, केवल प्रेम भक्ति प्राप्त हो ये विचार करते हुए जहां विराजमान है उसका नाम निर्गुण हुआ। वो निर्गुण कथा वहां पर इस प्रकार से हुई, निर्गुणम स्मृतम पारीक्षित संवादे निर्गुणम तत् प्रकीर्तितम तत्र सप्त दिनाख्यानम यदायुर्दिन संशया। अब इनमें भी हे पारीक्षित, पारीक्षित का मतलब है कि हे परीक्षित के पुत्र श्री हे पारीक्षित भी संवादे परीक्षित के पुत्र जो हैं उनके संवाद को भी जहां सुना जाए। ये हाँ पारीक्षित भी संवादे, पारीक्षित माने परीक्षित के वंश में भी जो उत्पन्न हुए हैं, माने जन्मेजय का जो संवाद है वो जन्मेजय के संवाद को भी सुना जाए। परीक्षित के पुत्र हैं जन्मेजय। पारीक्षित भी संवादे निर्गुणम तत्प्रकीर्तितम, संवाद को देख लिया है और निर्गुणम तत्प्रकीर्तितम वो निर्गुण है। सप्त दिनाख्यानम परीक्षित ने जैसे सात दिन में कृष्ण कथा सुनी, तो क्या वो तामस था? तो उसमें कह रहे हैं नहीं नहीं, सात दिन की जो कथा है उसका नाम भी निर्गुणी, सात दिन की जो कथा है वो भी निर्गुणी ही है। तो परीक्षित भी संवादे निर्गुणम तत्प्रकीर्तितम, परीक्षित ने हरे कृष्ण वो पहले गलत बताया था, परीक्षित का मतलब है परीक्षित और शुक, इन दोनों का जो संवाद हुआ उसका नाम है परीक्षित संवाद। तो शुभ परीक्षित का जो संवाद है उसको भी निर्गुण ही माना जाएगा। परीक्षित महाराज ने शुभदेव जी से सात दिन में जो कथा सुनी उसको भी निर्गुण ही माना जाएगा, क्योंकि सात दिन ये आयु की संख्या को बताते हैं, सात ही दिन होते हैं, सात ही दिन होते हैं, रवि सोमंगल बुध बृहस्पति शुक्र शनि रवि, शुक्र शनि फिर से रवि आ जाएगा। तो सात दिन एक तरह से पूरे जीवन का एक प्रतीक है, सिंबल। इसलिए परीक्षित ने सात दिन की समा कथा सुनी, इसका तात्पर्य है कि सात दिन नहीं बल्कि पूरे जीवन कथा सुनी, ये कहीं उसका प्रतीक है, सिंबल है। तो सात दिन की जो कथा है तदायु दिन संख्या, आयु के दिन की संख्या के अनुसार हम सब की आयु सात दिन की ही है, सोम मंगल बुध इनमें ही हमारी आयु है बस। तो इसलिए श्री परीक्षित महाराज ने सात दिन में जो कृष्ण कथा सुनी वो आयु के दिन की संख्या, माने जितनी भी आयु है सब में कृष्ण कथा सुननी ही है, ये विचार करके जो कथा सुनी जाती है, मन नित्यानी जो कथा होती है उसका नाम भी निर्गुण, नित्यानी कथा का नाम भी निर्गुण हुआ। अन्यत्र त्रिगुणम चापी निर्गुणम च यथेच्छया, चाहे त्रिगुणात्मक कथा हो सात्विक राजस तामस, और चाहे निर्गुण हो, तामस कथा उसको कहा जहां पर कुछ सीमित समय में जल्दी से परिश्रम करके कथा कह दी गई, वो हो गई तामस। सात्विक जो है
जहाँ पर एक महीने में या दो महीने में कृष्ण कथा कही गई और अनायास प्रायः प्रायः सारी कथा हो जाए, वो हो गई सात्विक। और राजस जो है वो राजस कहा जहाँ पर सात नहीं राजस कहा जहाँ पर सात दिन में कथा सुनी गई उसका नाम हो गया राजस। अनायास कथा जहाँ पर महीने में हो रही है वो हो गई सात्विक। और जहाँ एक वर्ष में आलस्यपूर्वक कथा सुनी जा रही है, किसी दिन हुई किसी दिन छोड़ दी, वो जो है वो तामस। और सात दिन की कथा श्रवण करना ये भी निर्गुण ही हुआ। एक वर्ष वाली कथा है, एक वर्ष परंतु आलस्यपूर्वक मैंने कभी सुनी कभी नहीं सुनी, कोई काम आ गया तो छोड़ दी, तो आलस्यपूर्वक जो कर। तो तामसम तो वर्षेणो सालसम शुद्धयायुतम, आलस्य के साथ में जो कथा सुनी गई और बस या तो ऐसा कि भाई घंटे भर जाकर के कथा में बैठना है, बस बैठ गए अपने कथा क्या हो रही है क्या नहीं हो रही है इसकी ओर ध्यान नहीं है, अपने कहीं पंखा के नीचे खम्बा का सहारा लेकर के बैठ गए। लाला जी का नियम है कि उनको तो घंटा भर 4 बजे से 5 बजे तक कथा सुननी है, वो घड़ी जैसे ही हुई कथा पूरी हुई कि नहीं हुई उठ के चल दिए, उनको अपने समय पर जाना। इसका नाम तामस कथा है कि न कथा में कोई आग्रह है और आलस्य भी है, उतने घंटे भी सोते रहे कथा में और बस अपना नियम है वो नियम कहीं पूरा कर रहे हैं, तो वो तामस कथा। नहीं वो निर्गुण ही है, वो ये कह रहे हैं 7 दिन का प्रतीक, 7 दिन को यदि ये माना जाए कि मैं अपने पूरे जीवन को यहाँ पर देख रहा हूँ, क्योंकि 7 दिन में ही हमारा जीवन तो 7 दिन का ही है, सभी का 7 दिन का है, तो हम पूरे जीवन के कथा के रूप में 7 दिन की कथा सुन रहे हैं और भक्तिपूर्वक सुन रहे हैं, तो उसका नाम निर्गुण है। यहाँ पर एक प्रश्न उपस्थित हो गया था कि क्या परीक्षित ने राजस कथा सुनी, क्योंकि पहले जो राजस की परिभाषा दी थी वो उन्होंने ये दी थी कि प्रयत्न पूर्वक कोशिश करके 7 दिन में भागवत को पूरा करना ही है, इसका नाम तो राजस है। तो एक प्रश्न उपस्थित हुआ कि क्या परीक्षित महाराज ने सुखदेव जी से सुनी वो राजस थी, तो उन्होंने कहा नहीं नहीं वो राजस नहीं थी, वो निर्गुण थी। और निर्गुण इसलिए थी कि 7 दिन हमारे पूरे जीवन के कहीं प्रतीक हैं, 7 दिन पूरा जीवन प्रतीक हैं। और परीक्षित ने कृष्ण प्रेम प्राप्त करने के लिए उस समय ये नहीं है कि एक निश्चित टाइम हो कि सुखदेव जी इतने बजे से लेकर के इतने बजे तक कथा कहेंगे, ऐसा नहीं है, जब तक कह रहे हैं। और परीक्षित महाराज भी प्रायोपविष्ट हैं, जितनी देर बैठे हैं तो बैठे हैं और आनंद से कथा सुनना है, तो वो भी एक तरह से पूरे जीवन उनके 7 ही दिन का जीवन था, परंतु उसमें पूरे समय में उन्होंने कृष्ण कथा सुनी, तो ये कहने का तात्पर्य है। हाँ नहीं वो तो वहाँ पर तो लगातार ही चली। हाँ बीच में ऐसा तो लगता है कुछ समय तो माने कहीं गैप रखा होगा, सारे ऋषि लोग बैठे हैं, परंतु प्रायोपविष्ट परीक्षित महाराज के लिए है। प्रायोपविष्ट का मतलब है कि सुखदेव जी को मूर्छा आ गई, उतनी देर भले कृष्ण कथा बंद हो गई, परीक्षित को मूर्छा आ गई उस समय कृष्ण कथा बंद हो गई, तो ऐसा जरूर हुआ है। प्राय शब्द का अर्थ मृत्यु है कि मृत्यु पर्यंत मैं यहीं बैठा रहूंगा, तो परीक्षित महाराज ने तो नित्य ही कथा सुनी है, श्रोता हो सकता है कि बीच बीच में उठ के चले गए कुछ कुछ, तो अपने अपने परीक्षित और सुखदेव जी ये तो बस बैठे सो बैठे। तो
चाहे त्रिगुणात्मक हो चाहे निर्गुण हो, श्रीमद् भागवत को भाई जैसे भी बने वैसे सेवो तो सही, ये कहने का तात्पर्य है। यथा कथंचित कर्तव्यम सेवनम भगवत श्रुते, ये विचार करके भागवत नहीं छोड़नी चाहिए कि अरे हम निर्गुण कथा नहीं सुन सकते हैं इसलिए चलो जब समय मिलेगा तब सुनेंगे, आप छोड़ो ऐसा नहीं। यथा कथंचित कैसे भी हो कहीं ना कहीं कृष्ण कथा सुननी ही चाहिए, चाहे सात्विक विधि से चाहे राजस चाहे तामस, किसी न किसी प्रकार से कृष्ण कथा को सुनना ही चाहिए। ये कृष्ण विहारिक भाजन स्वाद लोलपा मुक्त निराकांक्षा तेषाम भागवतम धर्म, ये श्रीमद् भागवत जो कृष्ण विहार के एकमात्र भाजन है, कृष्ण लीला का आस्वादन करने वाले हैं, मुक्त हैं, उनको भी आकांक्षा त्याग करके श्रीमद् भागवत का सेवन करना ही चाहिए, श्रीमद् भागवत का सेवन उनको करना चाहिए। ये संसार संतप्त निर्वाण मोक्ष कांक्षिण, जो संसार के संताप से व्याकुल हैं मोक्ष की इच्छा रखने वाले हैं, तेषाम भविष्यदम यही चैत कलौ सेव्यम प्रयत्नता, ये श्रीमद् भागवत की कथा उनको सारे भोग को प्रदान करने वाली है, प्रयत्नपूर्वक उनको सुनना चाहिए। जो सांसारिक विषयों को चाहते हैं उनको श्रीमद् भागवत को श्रवण करने से सांसारिक विषयों की भी प्राप्ति हो जाएगी। यदि किसी को अन्य अन्य विषय चाहिए तो ऐसा नहीं है कि भागवत से वो नहीं मिलेंगे, भागवत से अन्य विषय भी मिल जाएंगे। इसलिए ऐसा भी विचार नहीं करना चाहिए कि भाई भागवत सुनने से तो गोलोक की प्राप्ति होगी, जो हमारी फैक्ट्री घाटे में चल रही है उससे तो उभरेगी नहीं, ऐसा भी नहीं सोचना चाहिए। यदि कोई इस भावना से भी कर रहा है तो उसको भी फल की प्राप्ति होगी। तो ये चाप विषय आरामा, जो विषयों में आ सकते हैं और सांसारिक सुख को चाहते हैं, तेषाम तो कर्म मार्गेण या सिद्धि साधना कलौ, उनको कर्म करने पर जो सिद्धि प्राप्त होगी उससे भी बड़ी सिद्धि श्रीमद् भागवत के द्वारा हो जाएगी। सामर्थ्य धन विज्ञान अभावात अत्यंत दुर्लभा तस्मा तैरप संसेव्या श्रीमद् भागवती कथा। अब यदि किसी में सामर्थ्य नहीं है स्वयं सप्ताह कथा कराने की, तो जहाँ कथा हो रही हो वहाँ पर जाकर सुन लो, उसमें कोई बुराई की बात नहीं। तो ये विचार करते हुए वे विराजमान होंगे, तो विचार करने पर विराजमान होने पर उनको भी वस्तु की प्राप्ति हो जाएगी। सामर्थ्य धन विज्ञान इनके अभाव में भी अत्यंत, यदि किसी के पास में नहीं है तब भी उसे कृष्ण कथा की प्राप्ति हो जाएगी। इस प्रकार श्री श्रीमद् भागवत के ये फल का वर्णन किया। और अब यथासाध्य नियम करते समय तो नियम ग्रहण करके ही साधक को विराजमान होना चाहिए, इसका आगे वर्णन करेंगे। हो गया, थोड़े रह गए हैं 10-12 श्लोक रह गए हैं कल के प्रसंग में। तो कल से परसों से श्री श्रीमद् भागवत को नया जो श्रीमद् भागवत का दोबारा क्रम है उसको प्राप्त। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय, गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय।